वो ही समझ सकता है, क्या समझ सकता है कि मैं उसका स्वामी हूं वो मेरा दास है। एतद विज्ञाय, और मेरे पास जो शक्तियां हैं उनको वो समझ सकता है। और उसको समझने के बाद क्या होता है, मद भावाय, उसका मेरी प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। तो उस तरह से पूरी तरह से इन चीजों के बारे में भक्ति जान सकते हैं, अभक्त लोग नहीं जान सकते, ज्ञानी भी नहीं जान सकते। क्योंकि ज्ञानियों का जो साक्षात्कार होता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, वो अधूरा है। उनको वो भी पता नहीं है कि आत्मा जो है, आत्मा का एक रूप है, आत्मा कुछ कार्य कर सकती है, वो उनको पता नहीं होता है। इसलिए उनका जो आत्मा का भी साक्षात्कार होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है, पूर्ण नहीं होता है, मात्र भक्त का ही पूर्ण होता है। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु, जवार शरीर का जो हम लोग को ज्ञान या हम लोग को जैसे पता चला प्रभु, इसको खाली जानना ही है, जीवन में अप्लाई करना, जैसे अभी हम लोग जानते हैं और हम लोग से पूछा भी जाता है कि आप शरीर है कि आत्मा, तो हम लोग तोता की तरह बोल देते हैं कि हम लोग आत्मा है। लेकिन जब कोई परिस्थिति आती तो हम लोग शरीर की तरह ही अपने आप को बिहेव करते हैं। नहीं, इसलिए क्या है, एक तो साक्षात्कार है जिसमें समय लगता है, साक्षात्कार जल्दी नहीं आता है, लेकिन तब तक मन को समझाना पड़ता है, वो ट्रेनिंग है। इसलिए मन को प्रचार करना चाहिए कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो खासकर एक समय तो हम लोग डेली अप्लाई कर सकते हैं, वो जब के समय, जब के समय हम देख सकते हैं कि शरीर में जो भी कष्ट हो रहे हैं, मन में जो भी कष्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोग ध्यान कर सकते हैं कि हम उन कष्टों से अलग हैं, भिन्न हैं, हमारा इन कष्टों से कुछ लेना देना नहीं है। जो भी हमारे मन में अलग अलग उद्विग्नता उत्पन्न हो रही है कि ये क्या होगा, वो कब होगा, ऐसा कब होगा, तो याद रहना चाहिए अपने आप को कि आत्मा का उससे कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर हम लोग आराम से जप कर सकते हैं। तो ये सेम चीज हम सारी चीजों में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके प्रभु जी। ये श्लोक हम लोगों को ये शुद्ध भक्त के बारे में बताया गया है ना, ज्ञानी के बारे में नहीं है। ये श्लोक दोनों की दृष्टि से देख सकते हैं, ज्ञानी की दृष्टि से, भक्त की दृष्टि से। तो भक्त की दृष्टि से अगर देखेंगे तो भगवान क्या कह रहे हैं कि उस भक्त को सब पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, वो कौन है, मैं स्वामी हूँ, वो दास है, मेरी क्या क्या शक्तियां हैं, और इसके कारण मद भावाय है, वो प्रेम से पूर्ण हो जाएगा। और अगर ज्ञानी की दृष्टि से देखेंगे तो ज्ञानी की दृष्टि से क्या भगवान बता रहे हैं कि ज्ञानी जब ये सब जान जाता है तो वो मुझ में प्रवेश करता है। मद भावाय का मतलब है कि मेरे में प्रवेश करना, पर वो प्रवेश भी किस कारण करता है, मद भक्ता, भक्ति के कारण, ज्ञान के कारण नहीं करता है। देखिए, ज्ञान की तुलना अग्नि से की गई है, तो ज्ञान से क्या होता है या फिर विद्या से क्या होता है, विद्या से अविद्या खत्म होती है। जैसे अग्नि से लकड़ी खत्म होती है, उसी तरह से ज्ञान से अविद्या खत्म होती है, विद्या से अविद्या खत्म होती है। लेकिन जैसे लकड़ी समाप्त होने के साथ आग भी समाप्त हो जाती है, तो जैसी अविद्या खत्म होती है, ज्ञान का काम खत्म हो जाता है। तो इसलिए उस ज्ञानी को अगर भगवान में प्रवेश करना है तो उसको ज्ञान भी छोड़ना पड़ता है, ज्ञान अज्ञान दोनों छोड़ना पड़ता है। इस संसार का हम क्या है क्या नहीं है सब छोड़ना पड़ता है। सब ध्यान में क्या रहना चाहिए, फिर ध्यान में रहना चाहिए कि हम आत्मा हैं, और जो भी उसको भक्ति का ज्ञान है, भले उसको उस पर विश्वास नहीं है, लेकिन जो भी भजन है, कीर्तन है, कृष्ण की जो भी लीला है उसको पता है, भले उन पर विश्वास है नहीं है, वो सारी चीजें वो अपने साथ ले जा सकता है, कहाँ, ब्रह्म में प्रवेश करते समय। तो उस तरह से जो ज्ञानी भी होता है, ज्ञानी भी वो भक्ति जो है उसको अपने साथ ले जा सकता है, कहाँ, ब्रह्म में प्रवेश करते समय। तो वो भगवान यहाँ समझा रहे हैं ज्ञानी की दृष्टि से। तो ये दोनों की दृष्टि से देख सकते हैं, भक्ति की दृष्टि से भी और ज्ञानी की दृष्टि से भी। ठीक है।
जो ज्ञानी को अपना ज्ञान यहाँ पे छोड़ना पड़ता है, वो कौन सा ज्ञान है जो उनको यहाँ छोड़ना पड़ता है? कि हम क्या नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम बुद्धि नहीं है, हम अहंकार नहीं है, ये सारी चीजें संसार छड़मंगोर है, ये सारा ज्ञान छोड़ना पड़ता है। ये भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि क्यों छोड़ना पड़ता है, इसलिए छोड़ना पड़ता है क्योंकि अगर आपका आप याद कर रहे हैं कि हम शरीर नहीं है तो ध्यान किसकी ओर है, ध्यान किसकी ओर है फिर? शरीर की तरफ, शरीर की तरफ है ना। तो शरीर की तरफ अगर आपका ध्यान रहेगा तो आप वापस शरीर में प्रवेश करेंगे, क्योंकि भगवान बोलते हैं अंत काल चमामे विस्मृत मुक्ता कलेवरम, जो जो आप ध्यान करते हैं अंतिम समय में वो प्राप्त करते हैं। तो अगर शरीर का ध्यान है तो शरीर शरीर में वापस आएंगे, तो उसको भी छोड़ना पड़ता है। ठीक है। और प्रभु एक प्रश्न और था, ये क्लास से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन जैसे कि वो भगवत गीता में आगे हम लोग पढ़े हैं कि कौन कौन से समय में अगर कोई मृत्यु प्राप्त होती है तो उसको अच्छा फल मिलता है, तो जैसे कि अब जैसे कोई अच्छे दिन में और अच्छे समय में अगर हुआ तो क्या उनको भगवान का धाम मिलेगा उसने भक्ति नहीं की तो? देखिए ये हमने आपको 8वें चैप्टर में बताया था, आप भूल गए कि वो पर्याप्त नहीं है, सारी कंडीशन होनी चाहिए। उत्तरायण का समय, दिन का समय, अग्नि होनी चाहिए और उसके अलावा प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। जिंदगी भर आपने ज्ञान या योग की प्रैक्टिस की हो तब जाके वो होता है, ऐसा थोड़ा ना कि सिर्फ समय से ही हो जाता है। समय एक चीज है, उसके बाद में प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। यस प्रभु, ओके प्रभु, थैंक यू प्रभु। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि आपने परमात्मा के बारे में बताया कि वो इस क्षेत्र के ज्ञाता हैं, पर जीव भी इस क्षेत्र का ज्ञाता है, हाँ, तो ऐसा कैसे होता है कि परमात्मा कभी इस संसार से बनते नहीं है, माया के कभी संपर्क में नहीं आते हैं और जीव माया में फंस जाता है? जीव भी ज्ञाता है, परमात्मा भी ज्ञाता है, परमात्मा फंसते नहीं, जीव कैसे फंस जाता है? तो जीव कैसे फंस जाता है वो भगवान 20वें श्लोक में बता रहे हैं। प्रगतिम पुरुषम चैवा विद्धि अनादि उभावपि विकारांश गुणांश चैवा विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विचार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। तो भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो मेरी माया है, प्रकृति है, और जो जीव है जो अपने आप को इस माया का भोक्ता समझता है, दोनों के दोनों कैसे हैं? अनादि हैं। प्रकृति भी अनादि है, जीव भी अनादि है। जीव तो अनादि हम समझते हैं, प्रकृति भी अनादि क्यों है? प्रकृति प्रकट अप्रकट होती रहती है, जब प्रधान बन जाती है तो अप्रकट हो जाती है, महातत्व और आगे से निकलती है तो फिर प्रकट हो जाती है। तो प्रकट अप्रकट होती रहती है प्रकृति, लेकिन प्रकृति भी कैसी है? अनादि है, उसका कोई आदि नहीं है। ऐसा नहीं कभी सृष्टि हुई थी, सृष्टि प्रकट होती है और अप्रकट होती है, दिखती है और नहीं दिखती है, लेकिन हमेशा रहती है। तो दोनों के दोनों कैसे हैं? अनादि हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों मेरी शक्ति हैं। तो जब भगवान अनादि हैं तो भगवान की शक्तियां भी अनादि होनी चाहिए। तो इस तरह से दोनों के दोनों अनादि हैं। तो फिर भगवान बताते हैं, भगवान कहते हैं कि 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 4 और 5 में मैंने बताया था, हाँ, कि दोनों के दोनों जो प्रकृति और जीव हैं उनका कोई आदि नहीं ढूंढ सकता है, वो कहां से चालू हुए थे, और उनका जो आसक्ति है, आसक्ति कब चालू हुई उसके बारे में ही हम नहीं बता सकते हैं, कब चालू हुई, कब से जीव आ सकता है, अनादिकाल से आ सकते हैं, दोनों के दोनों अनादिकाल से आ सकते हैं, पर दोनों के दोनों अलग हैं, ये मुख्य चीज है। जीव का प्रकृति का आपस में कुछ लेना देना नहीं है। तो शरीर, मन, इंद्रियां, ये सबके सब गुणों से उत्पन्न होते हैं, 3 गुणों से,
गुणान, गुणान गुणों से उत्पन्न होते हैं, जैसे सुख दुख पश्चाताप, ये सब के सब क्या है, ये विकार है। किसके विकार है? प्रकृति के विकार है। ये सब के सब प्रकृति से आते हैं, जैसा हमने पहले भी देखा था अभी और आगे भी देखेंगे कि जब मन सत्वगुण में होता है सुख की अनुभूति करता है, मन जब रजोगुण से लीन होता है या फिर रजोगुण से लिप्त हो जाता है तो आकांक्षाएं आती हैं मन में बहुत, और जब तमोगुण से होता है आलस आता है, पश्चाताप आता है, ये सारी चीजें आती हैं। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो विकार हैं ये उत्पन्न होते हैं। तो जो खासकर हमने श्लोक नंबर 7 में बताया था, इच्छा द्वेष सुखम दुखम, ये सब के सब क्या है, ये विकार है, मन के विकार है। तो ये सब के सब उत्पन्न होते हैं किसमें? प्रकृति में उत्पन्न होते हैं। लेकिन जीव इन सबसे भिन्न है, इन सबसे अलग है। हाँ, तो बदलाव किसमें हो रहा है? सिर्फ प्रकृति में ही बदलाव हो रहा है, अन्य चीजों में बदलाव नहीं हो रहा। और फिर आगे भगवान बोलते हैं, देखिए ये सारे के सारे जो श्लोक हैं ये आपको तब समझ में आएंगे जब आपको 24 तत्व याद रहेंगे। तो इसलिए जो हमने एक लेक्चर आपको उसमें डाला था व्हाट्सएप ग्रुप में सृष्टि का, वो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आगे के श्लोक समझ में आने वाले नहीं है, बहुत मुश्किल जाएंगे। इसलिए उसको दोबारा आप लोग, अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है दोबारा उसको सुनिए। तो 24 तत्व जब तक क्लियर नहीं होने वाले हैं ये वाला जो चैप्टर है, सेकंड वाला, सेकंड की फर्स्ट दो आपने लेक्चर डाले थे, दोनों तो दोनों में दोनों। बस वो थोड़ा सा प्रधान और महत तत्व में बहुत कंफ्यूजन है। आपने बताया कि वो प्रधान है जो काल और शिव की शक्ति, ऐसे कुछ बताया था आपने। प्रधान जो है, प्रधान मतलब अप्रकट प्रकृति को प्रधान कहते हैं, प्रकट प्रकृति को महातत्व कहते हैं। ये दोनों में भिन्नता, ज्यादा भिन्नता नहीं है। तो प्रधान में क्या होता है, प्रधान में जो तीनों गुण हैं सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, वो सबके सब बैलेंस में होते हैं। रजोगुण नहीं ज्यादा होता है तो सृष्टि नहीं होती है, सृष्टि नहीं है तो मेंटेनेंस कैसे होगा, तो सत्वगुण भी शांत रहता है। जब सृष्टि नहीं है तो विध्वंस क्या होगा, तमोगुण भी शांत रहता है। तीनों के तीनों कैसे रहते हैं, बैलेंस रहते हैं। जब महाविष्णु उस पर दृष्टिपात करते हैं तो तीनों के तीनों कैसे हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। विचलित होने की वजह से रजोगुण बढ़ता है, सृष्टि होती है, सत्वगुण से मेंटेनेंस होता है, तमोगुण से नाश होता है। तो फिर वो महत्व तत्व में कहीं सत्वगुण बढ़ जाता है, कहीं रजोगुण बढ़ जाता है, कहीं तमोगुण बढ़ जाता है। तमोगुण अहंकार बदल जाता है, उससे आगे सृष्टि होती है। तो ये सब हमने बताया था। हाँ प्रभु, लेकिन थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो जाते, तब भी सुन लिए, 2-3 बार सुन लिए उसको, लेकिन तब भी कंफ्यूज हो जाते उसको। कंफ्यूज हो जाए दोबारा सुन लीजिए, और क्या कर सकते। यस, ठीक है। तो ये अंतर है दोनों, प्रधान में और महत्वपूर्ण। प्रभु, तो जो 24 एलिमेंट जो हम लोग ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया ये सब बोलते हैं, उसमें पहले प्रधान 24 में आता है कि महत्तत्व 24 में आता है? एक्चुअल में 24 में महत्तत्व आता है, कहीं कहीं उसको रफली प्रधान बोल देते हैं। हाँ प्रभु, हमने देखा एक जगह प्रधान। देखिए वो इसीलिए कई बार भगवान भी और प्रभुपाद भी कभी उतना स्पेसिफिक नहीं होते। कारण क्या है कि जब तक आप उस चीज के डिटेल में नहीं जा रहे हैं तो शास्त्रों में भी उतना स्पेसिफिक नहीं बताया गया। कई बार लोग बोलते हैं ना, हम आपसे दिल से प्यार करते हैं, तो आप दिल से प्यार करते हैं कि दिमाग से प्यार करते हैं? आपकी बुद्धि तो यहां पे है, लेकिन क्यों बोल देते हैं, क्योंकि वो चलित भाषा है, नॉर्मल है। तो सेम चीज यहां पे भी आता है। तो इसलिए जब भगवान सृष्टि के बारे में बताते हैं तब डिटेल में बताते हैं, वरना क्या प्रधान महातत्व को इंटरचेंज करके बताते रहते हैं। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, जैसे शरीर ज्ञान तथा ज्ञेय यह तीनों और जानने की विधि, तीनों जानने के बाद क्या विज्ञान कहलाती है? ये थोड़ा सा अगले 19 नंबर चैप्टर में है,
थोड़ा इनको थोड़ा सी साक्षात्कार का मतलब है इन सबको समझना। जैसा आपने अमेरिका के बारे में सुना है, हाँ सर, हाँ उसका साक्षात्कार किया है? गया तो नहीं, सुना है। हाँ तो वो ज्ञान है, विज्ञान नहीं है। विज्ञान का मतलब है उसका साक्षात्कार करना, ठीक है ना? दोनों में अंतर। ओके, फिर 21 नंबर, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषा सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतुरुच्यते। पढ़िए इसको। प्रकृति समस्त भौतिक कार्य कारणों तथा कार्यों के हेतु कही जाती है और जीव इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो इसमें भगवान क्या बता रहे हैं? इसमें भगवान बता रहे हैं कि सारे के सारे, जैसे हमने बताया विकार जो 7 नंबर श्लोक में थे, वो सब प्रकृति के कारण होते हैं। लेकिन सुख और दुख कौन प्राप्त करता है? जीव करता है। क्यों करता है? क्योंकि बाकी जो 24 आपके तत्व हैं वो तो निर्जीव हैं। निर्जीव तत्व सुख और दुख को कैसे महसूस कर सकते हैं? इसलिए जीव जो है वो सुख और दुख को महसूस करता है। विकार लेकिन कहाँ आते हैं? विकार सबके सब 24 तत्वों में आते हैं। लेकिन हम अपने आप को वो तत्व मान बैठते हैं, इसलिए सुख और दुख को की अनुभूति करते हैं। जैसा मैं पहले उदाहरण दिया था, मूवी में हीरो पिट रहा है, मार रहा है, यार मार खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, हमको क्या लेना देना है। लेकिन जैसे ही आप अपने आप को मूवी देखने लगते हैं, हीरो समझने लगते हैं, तो फिर उसके सुख और दुख से आपको फर्क पड़ता है। नहीं है तो कोई फर्क नहीं है। सेम चीज आप अपने जीवन में भी देख सकते हैं। हमारे बच्चे के नंबर अच्छे आ रहे हैं, खराब आ रहे हैं, बहुत फर्क पड़ता है। बाकी तो और भी बच्चे हैं, किसी के नंबर अच्छे आ रहे हैं, किसी खराब आ रहे हैं, हमको फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि क्यों? क्योंकि अपने बच्चों से हम अपने आप को पहचानते हैं, अनुभूति करते हैं कि हमारे शरीर का अंग है। तो ये सब जीव, क्योंकि इनसे अपने आप को भौतिक पदार्थ समझ बैठता है, इसलिए सुख और दुख की क्या करता है? अनुभूति करता है। तो ये भगवान 21 नंबर में बता रहे हैं। और भी चीजें हैं, तो इसमें भगवान क्या बताते हैं कि जीव और प्रकृति अपने आप में कैसे हैं? संबंधित हैं। प्रकृति के कारण जीव दुर्भाग्य में फंस जाता है और उसे 3 कारण है। क्या है? कार्य, कार अर्थात शरीर, कारण, कारण मतलब है इंद्रियां, इंद्रियों के कारण उसको सुख और दुख मिलता है। इंद्रियां जब इंद्रियों के भोग के संपर्क में आती है तो सुख मिलता है, और जो इंद्रियों को कष्ट देने वाला है उसके संपर्क में आता है तो दुख मिलता है। जीभ में अगर मान लीजिए कुछ अच्छा आ जाता है, रसगुल्ला आ गया, तो बड़ा सुख मिलता है, और जीभ में वहीं पे किसी ने सड़ा हुआ कुछ डाल दिया तो दुख मिलता है। तो उस तरह से कारण, तो कार्य कारण, और फिर भगवान यहां बोल रहे हैं कर्तृत्व। तो कर्तृत्व क्या है? कर्तृत्व का मतलब है इंद्रियों के जो स्वामी हैं या फिर देवता हैं। तो ये हमने पहले भी आपको बताया था कि 3 चीजों के कारण में सुख और दुख मिलता है। तो एक तो मुख्य चीज है कि जीव से अपने आप को प्रकृति समझ रही है, दूसरा चीज ये तीनों के तीनों मिलते हैं। तो कार्य मतलब हमारी इंद्रियां, मान लीजिए जीव, फिर कारण, कारण का मतलब है, कारण का मतलब इंद्रियां, कार्य का मतलब शरीर, और तीसरा क्या है? इंद्रियों के देवता। तो वरुण देव जब सैंक्शन देते हैं तब हम जीव हमारी काम करती है, और फिर जीव अगर मान लीजिए अच्छी चीज के संपर्क में आती है तो उसको अच्छा लगता है, बुरी चीज के संपर्क में आती है तो हमको बुरा लगता है। लेकिन ये तीनों के तीनों चीजें उसके लिए चाहिए, शरीर भी चाहिए,
इंद्रियां भी चाहिए और देवताओं की सैंक्शन भी चाहिए, और देवता लोग सैंक्शन नहीं करेंगे तो हम नहीं पता कर सकते। इसलिए कई बार लोगों को, जिन लोगों को पैरालिसिस हो जाता है, तो फिर उनके आपके शरीर के साथ कुछ भी करते रहिए, उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देवता लोगों ने वहां से अपना सैंक्शन हटा लिए। ओके, तो फिर ये भगवान बताते हैं, तो प्रकृति जब जीव के संपर्क में आती है तो शरीर, इंद्रिया, इंद्रियों के जो देवता हैं, ये सब के सब कार्य करने लगते हैं, और अविद्या, अविद्या के कारण जीव समझने लगता है कि मैं इन सब चीजों से संबंधित हूं, जबकि उसका कुछ लेना देना नहीं है। तो ये अविद्या के कारण होता है। तो भोक्तृत्व, तो भले ही जीव की भोग करने की शक्ति, शरीर, इंद्रिय, इंद्रियों के देवता, ये सबके सब प्रकृति संबंधित हैं, लेकिन ये सबके सब कैसे चेतना से रहित हैं, ये अचेतन है। इसीलिए इनको सुख और दुख प्राप्त नहीं होता है। सुख और दुख किसको प्राप्त होता है? जीव को ही प्राप्त होता है। इसलिए भगवान ने जीव और प्रकृति को अलग अलग बताया है, इन दोनों में डिफरेंस किया है, क्योंकि जीव है चेतन और ये सारी चीजें अचेतन है। तो महसूस कौन करता है? जीव ही करता है, ये चीजें महसूस नहीं करती। तो हाँ बोलिए माता जी, न्या माता जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जीव महसूस करता है, लेकिन जीव तो वो है ना, इट रिमेन्स अनटच्ड, उसको फायर नहीं छूती, उसको पानी नहीं छूता, ऐसे। तो फिर ये मिस आइडेंटिफिकेशन है, जैसे हमने बताया ना पहले भी, मिस आइडेंटिफिकेशन को ही माया कहते हैं। जैसे हमने हमने पहले भी उसका एग्जांपल दिया था मूवी का, तो हमारा तो जो मूवी में दिखा रहे हैं हीरो हीरोइन, उनसे कुछ लेना देना नहीं है, हम आइडेंटिफाई करते हैं तो लेना देना होता है। जैसे कई बार कुछ लोग कुछ मैचेस का उनको सेंस नहीं होता है, क्रिकेट का, फुटबॉल का, उनको फर्क नहीं पड़ता है, पर जो से आइडेंटिफाई करता है उसको बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए आप देखेंगे जो गांव के लोग हैं, कई बार आते हैं शहर में, देखते हैं लोग क्रिकेट मैच देख रहे हैं, कोई ताली बजा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, उनको लगता है क्या कर रहे हैं, पागल लोग हैं। लेकिन जो देख रहा है, जो पहचानता है, वो सुख और दुख महसूस करता है। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ अच्छा प्रभु जी, जैसा आपने कहा कि जो इंद्रियों के जो देवता हैं, कभी कभी अपना सैंक्शन हटा लेते हैं वहां से, ऐसा किन परिस्थितियों में होता है? लेकिन भगवान ने तो सबको माइनर इंडिपेंडेंस सबको दी है, तो उसमें किस तरह से ये लोग इंटरफेयर करके अपना सैंक्शन हटा लेते हैं? वो हमारे कर्मों के अनुसार है, हमारे कर्मों के अनुसार कौन सी इंद्रिया काम करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, सबका कोटा है, सबके पास कोटा। जैसे ही क्रॉस होता है चीजें खत्म हो जाती है। जैसे कितना मिठाई खाना है, कोटा है, एक बार कोटा खत्म हुआ तो डायबिटीज हो जाएगा, फिर नहीं खा पाएंगे, फिर खाएंगे तो फिर उसके बाद में आदमी को दुख झेलना पड़ता है। इसलिए अभी आपकी भी उम्र हो रही है, सबकी धीरे धीरे करके उम्र बढ़ रही है, समझ में आ रहा होगा, जवानी में आदमी जितना खा सकता है, पचा सकता है, जितना एंजॉय कर सकता है, वो तो बुढ़ापे में नहीं होता है। एक एक करके जो सैंक्शन है देवता लोग हटाने लगते हैं, तो कोटा खत्म होने लगता है समय के साथ। ठीक है, तो अभी 22 नंबर लेते हैं। पुरुषा प्रकृति स्तो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणाम गुण संगोस्य सद सद योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है, यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तो ये बहुत फेमस श्लोक है, याद करने लायक है। तो फिर भगवान बोलते हैं, तो ये जो अविद्या है, अविद्या भी कैसी है, कब से आ रही है? अनादि है, ये भी अनादि है अविद्या।
तो जीव जब इस अविद्या के संपर्क में आता है तो उसको क्या लगने लगता है, भोग करने की शक्ति, अक्रिया करने की शक्ति उसकी ही शक्ति है। भले ही उनका संबंध शरीर से है, इंद्रियों से है, पर उसको क्या लगने लगता है, ये मेरा अधिकार है, भोग करने की शक्ति और क्रिया करने की शक्ति। इसी कारण उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है। जैसे कई बार इसलिए लोगों को बहुत दुख होता है जब एक एक करके हमारी भोग करने की शक्ति बुढ़ापे में कम होती है। नॉर्मली लोग उसको ग्रांटेड ले लेते हैं, इसलिए कई बार बुढ़ापा बहुत अच्छा है, आत्म साक्षात्कार के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे नॉर्मली आदमी जब कुछ खाता है तो कहता है कि ठीक है मैं खा रहा हूं, खाना मेरा अधिकार है। जब दांत हिलने लगते हैं बुढ़ापे में तब समझ में आता है। जैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति अपना सेब खा रहा था, देखा के सेब दांत सेब में ही रह गया, तब उसने ढूंढना चालू किया कहां गया सेब, कहां गया दांत हमारा, कहां गया। तो नॉर्मली खाते हैं तो खा ही लेते हैं, हमको कभी वो दिमाग में नहीं आता है, मन में नहीं आता है। बुढ़ापे में समझ में आता है कि भाई हम भुगता नहीं है, भोग करने का अभी तक हमको क्षमता मिल रही है, वो भगवान की कृपा है। अभी वो चिंता नहीं होती कि दांत रहेगा या नहीं रहेगा, कुछ भी लेके खा लेते हैं। जब देखेंगे ठंडा गर्म गर्म ज्यादा नहीं ले सकते हैं, या फिर कुछ खा रहे हैं बहुत कड़ा नहीं खा सकते हैं, तो वो ये सारी की सारी चीजें जीव को लगने लगता है ये हमारा अधिकार है। जब अधिकार छीना जाता है तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं उस समय वो समझते हैं कि हम भोगता नहीं है। तो भोग और क्रिया की जो शक्ति है ये जीव की नहीं है, ये शरीर की है और इंद्रियों की है, पर जीव अपने आप को इसका अधिकारी मान बैठता है गलती से। तो ना तो प्रकृति स्तो ही, प्रकृति में स्थित जो जीव है, जो कि किसमें स्थित है, शरीर में स्थित है, जो कि प्रकृति का बना हुआ है, तो वो अपने आप को वो समझने लगता है कि मैं ये शरीर हूं। फिर भूंगते भूंगते के बाद क्या होता है, जैसे आप अपने आप को शरीर समझने लगते हैं तो शरीर से जो सुख मिलेगा और दुख मिलेगा आप उसको भोगेंगे। और क्या फिर मिलता है, कभी व्यक्ति को सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, कभी पश्चाताप होता है, कभी आशाएं होती हैं। तो भंगते भूंगते प्रकृति जान गुणान, ये सारे के सारे जो गुण हैं, सुख दुख मान अपमान, इन सब को जीव को सहना पड़ता है। लेकिन प्रकृति प्रकृति जान गुणान मतलब ये सारी के सारी चीजें तो प्रकृति के कारण ही है। प्रकृति कारण मन आता है और मन जिस चीज से आसक्त हो जाता है उसका सुख और दुख हमको महसूस होते हैं। जहां मन रहेगा उस चीज से हम प्रभावित रहेंगे। जैसे हमने जैसे आप लोग यहां बैठे हुए, मान लीजिए कोई क्रिकेट मैच चल रहा है और किसी को क्रिकेट बहुत पसंद है, तो देखना इंद्रियां सारी सारी वहां पे बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं। कहीं दूर आवाज आ रही होगी ना, वो सब ध्यान वहां रहता है। मान लीजिए पटाखे चलने चालू हो गए, समझ में आ जाता है हाँ भाई लगता है टीम जीत गई है, तो यहीं से आपको सुख मिलने लगता है। हाँ, और एकदम से सब जगह सन्नाटा हो जाता है, आवाज बंद हो जाती है, समझ में आता है हार गई, तो यहां दुख होने लगता है। तो सारी चीजें किसी कारण है, मन जहां जाता है वहां से व्यक्ति सुख और दुख को महसूस करता है। तो कारण क्या है, गुण संगा। आत्मा अपने आप को गुण से संबंधित देखने लगती है, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण। तो प्रभावित कौन हो रहा है, मन हो रहा है, शरीर हो रहा है, लेकिन आत्मा अपने आप को क्या समझने लगती है कि मैं मन हूं या शरीर हूं। इसी कारण क्या होता है, उसको दुख मिलता है। तो ये सब गुणों के कारण है, तीन गुणों के कारण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। जैसा हमने बताया सत्वगुण के कारण ज्ञान और प्रसन्नता मिलती है, सुख मिलता है, सुख और ज्ञान। रजोगुण के कारण आकांक्षाएं आती हैं, और तमोगुण के कारण पश्चाताप आता है, दुख आता है, या फिर वो आता है आलस आता है। जिस तरह से ये सब जीव को गुणों के संपर्क के कारण आता है। तो भले ही आत्मा का शरीर से कोई संपर्क नहीं है, लेकिन ये सब के सब किसके कारण है, ये अविद्या के कारण है।
तो प्रश्न आता है कि जीव सुख और दुख की अनुभूति कहां पे करता है, कैसे करता है? तो सदयोनि, जब सदयोनि मिलती है तो इसका एक उदाहरण देते हैं भगवान। वैसे इस जीवन में भी हमको सुख दुख मिलता है, कभी सुख कभी दुख, लेकिन अगर आप ग्रॉसली देखेंगे तो जब सदयोनि योनि मिलती है तो आदमी सुखी रहता है। सदयोनि मतलब देवताओं का शरीर मिलता है, ऊंचा शरीर मिलता है तो एंजॉय करता है, और असद योनि मतलब जानवरों का या निम्न योनियों का मिलता है शरीर तो व्यक्ति दुख प्राप्त करता है। मनुष्य जीवन में सुख और दुख दोनों ही ज्यादा नहीं है, दोनों ही बहुत कम है। तो अगर आपको याद होगा, हमने एक उदाहरण बताया था शॉपिंग मॉल का, बहुत पहले बताया था। तो जरा बड़ा बड़ा नोट आपका शॉपिंग मॉल में जाता है और छोटा पैसा रोड के किनारे जाता है। जब चवन्नी अठन्नी बजता है तो आप घर वापस आ जाते हैं। उसी तरह से बड़ा बड़ा जो क्राइम करते हैं उसका दुख मिलता है जेल में, कम होता है तो थोड़ा सा वो लगता है, जुर्माना भरना पड़ता है, और थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए गलत काम भी कर रहे हैं तो घर में चल जाता है, ओके कोई बात नहीं है, गवर्नमेंट उसको नजरअंदाज कर देती है। तो उसी तरह से बड़े बड़े जो सुख और दुख हैं वो हम लोग स्वर्ग में नरक में काटते हैं, और जब बहुत कम बचता है तो इस मनुष्य शरीर में रहते हैं। इसलिए मनुष्य शरीर भक्ति करने के लिए बहुत अनुकूल है, क्योंकि सुख और दुख आपके मन को ज्यादा आकर्षित नहीं करते। बहुत ज्यादा सुख नहीं है मनुष्य जीवन में, बहुत ज्यादा दुख नहीं है, लेकिन मन की बात है, मन की वजह से कभी कभी हमको लगने लगता है कि सुख बहुत ज्यादा है, दुख बहुत ज्यादा है। आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे ना, तब समझ में आएगा कि बाहर की दुनिया में जो निम्न योनि होती है उनमें कितना दुख होता है। अब जैसे बारिश हो रही है बाहर, हमारा तो कम से कम 24 घंटे से हो रही है, तो इतनी सारी प्रजातियां समाप्त हो जाती हैं, सारी चींटियां हैं, छिपकली सबके सब, खासकर भी थोड़ा ठंडा टेम्परेचर हो जाता है, छिपकलियों का वो जम जाता है, खून जम जाता है, सांप परेशान रहते हैं बार बार हम लोग के ऊपर आने की कोशिश करते हैं, हवा चलती है तो जितनी पक्षी होते सब घोंसले उड़ जाते हैं, बहुत पक्षी मरते हैं उसमें, पर हमको उतना फर्क नहीं पड़ता है, हम यहाँ पे कमरे में बैठे हुए हैं उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो उस तरह से मनुष्य जीवन में उतना दुख नहीं है जितना निम्न योनियों में। खाने के लिए कभी संघर्ष नहीं करना पड़ता है, ऐसा नहीं होगा कि राजकुमार पूर्व प्रसाद ले रहे हो टेंशन रहेगा कि कोई आके छीन के खा लेगा, उतना टेंशन नहीं रहता है, आराम से बैठ के हम आराम से प्रसाद ले लेते हैं। या सोते समय कभी ये नहीं टेंशन रहता है कि अभी हम सो रहे हैं उठेंगे नहीं उठेंगे, मालूम है सो रहे हैं तो उठेंगे, लेकिन ये सारे के सारे कष्ट किसको रहते हैं, निम्न योनियों में रहते हैं। तो इसलिए सद सद योनि जन्म सुख, ना दुख। प्रभु जैसे आपने कहा कि उच्च योनि में ज्यादा सुख होते हैं, ज्यादा ज्यादा दुख होते हैं, तो स्वर्ग में जो देवी देवता है क्या उनको भी इस तरह के, देवताओं को भी इस तरह का दुख मिलता है? देवताओं को नहीं है, देवताओं को एक ही दुख होता है कि हम पड़ोसी का कुछ ज्यादा सुख मिल गया, वही कष्ट होता है और कष्ट नहीं होता। तो देवताओं में, देवताओं के लोकों में बहुत शोक, बहुत आनंद है, लेकिन वहां भी पूर्ण आनंद इसलिए नहीं है क्योंकि तुलना करने की प्रवृत्ति होती है, ईर्ष्या की प्रवृत्ति होती है। तो इसलिए आप देखेंगे इस दुनिया में भी जब तक आदमी के पास में रहने का घर नहीं है तो उसको लगने लगता है कि घर होगा तो कितना अच्छा होगा, एक फ्लैट ले लेंगे हम, एक फ्लैट आ जाता है तो फिर लगता है अरे बंगला होना चाहिए, बंगला होता तो बंगला में खुश नहीं होता है। तो कहीं भी कुछ भी हो जाए दुनिया में भी लोग सुखी इसलिए नहीं रहते क्योंकि मेन कारण मन है। संतुष्टि भी बोल सकते हैं प्रभु, संतुष्टि। हाँ संतुष्टि, लेकिन आएगी कैसे? संतुष्टि आती है जब व्यक्ति सत्वगुण से संबंधित होता है। इसलिए कृष्ण बोलते हैं कि इस भौतिक जगत में भी सुखी वो व्यक्ति है जो सत्वगुण में है। इसलिए हम आगे जाएंगे सत्वगुण के, हम लोग देखेंगे कितना महत्वपूर्ण है सत्वगुण, सत्वगुण भक्तों के जीवन में।
आगे देखिए ठीक है। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, हाँ तो आप भगवान अभी तक जीव के बारे में बताते हैं, अभी भगवान परमात्मा के बारे में बताएंगे। तो भगवान ने वैसे 13 से 18 तक बताया है, लेकिन अभी भगवान स्पष्ट करना चाहते हैं कि जीव और परमात्मा में काफी अंतर है, इसलिए 30 नंबर से भगवान परमात्मा के बारे में दोबारा बताएंगे, उनके लक्षण बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे ये श्लोक में बताया गया है कि प्रकृति के तीनों गुण को भोगने के बाद ये प्रकृति के कारण ही हमें अधम योनि मिलती है या उत्तम योनि मिलती है, हाँ तो ये प्रकृति अधम योनि में कैसे चल जाता? नहीं आप दुरुपयोग करेंगे तो अधम योनि मिलेगी ना, आप अगर दुरुपयोग करेंगे भगवान के नियमों के अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो अधम योनि मिलेगी। तो जब व्यक्ति सत्वगुण में होता है तो शास्त्रों के अनुसार काम करता है तो उच्च योनि मिलती है, और आप रजोगुण में हैं और तमोगुण में हैं, भोग कर रहे हैं गलत तरीके से कर रहे हैं तो फिर अधम योनि मिलती है। तो उस तरह से जीव जब भोग करता है तो भोग कैसे कर रहा है उस पर बहुत निर्भर करता है। आप शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं तो ठीक है, जैसे ही आप शास्त्रों का उल्लंघन करते हैं तो निम्न योनि मिलती है उसके लिए। इसलिए शास्त्रों में कभी ऐसा नहीं बोला कि आप भोग नहीं करना है, लेकिन कैसे करना है वो निर्भर करता है, आप शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं या शास्त्रों से हटके कर रहे हैं, बहुत मैटर करता है। रसगुल्ला आप खा रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं या फिर कहीं और से खा रहे हैं वो निर्भर करता है। ठीक ओके okay. आगे फिर भगवान परमात्मा के लक्षण बताते हैं। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापि युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परा। पढ़िए इसको। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। इस तरह से भगवान क्या बताते हैं कि इस शरीर में ही अन्य एक और पुरुष है, वो कौन है? परमात्मा। परम का मतलब क्या है? जो परमात्मा में परम शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि ये जो है ये परम पुरुषोत्तम जो भगवान है उनके ही एक अंश हैं। तो हम भी भगवान के विस्तार हैं, परमात्मा भी भगवान के विस्तार हैं, पर दोनों मंत्र क्या है? परमात्मा को कहा जाता है स्वांश, स्वांश भगवान का पर्सनल एक्सपेंशन, और हम जो जीव हैं उनको बोलते हैं विभिन्नांश, हम लोग विभिन्न हैं। तो प्रभुपाद जी उदाहरण किसका देते हैं? इसे हाथ भी शरीर का अंग है और शरीर के जो बाल हैं वो भी शरीर का अंग है, लेकिन हाथ को जब दर्द होता है तो किसको दर्द हो रहा है? हमको ही दर्द हो रहा है। बाल को अगर काट भी देते हैं तो आसक्ति के कारण दर्द होता है लेकिन लिटरली दर्द नहीं होता है। वैसे कभी कभी लोगों को बाल खींचने से तो दर्द होता ही है। अब आपको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। हाँ तो यहाँ काटने का उदाहरण खींचने का नहीं है, खींच रहे तो हम उससे अलग कर रहे हैं, लेकिन हम बाल काटने वाली बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्रभुपाद ने बाल का उदाहरण दिया है कि अगर बाल मान लिया कोई काटता है तो वैसे लिटरली दर्द नहीं होता है, आसक्ति के कारण हो सकता है कि अरे भाई इतने लंबे लंबे बाल थे आपने काट दिए, सबका रहता है, ब्रह्मचारी की भी सब शिखा रहती है। हाँ और कई बार कुछ लोग गलती करके पूरा काट देते हैं तो बोलते अरे भाई एक साल में उगाई थी आपने पूरा साफ कर दिया उसको,
तो आसक्ति कारण होता है, लेकिन लिटरल दर्द नहीं होता जैसा हाथ में दर्द होता है। तो उसी तरीके से कृष्ण और परमात्मा में अंतर नहीं है, वो एक ही है, स्वांश कहलाते हैं, स्वांश। जीव भी भगवान के ही अंश हैं, लेकिन बाल की तरह अलग है। तो भगवान को दर्द होता है वो आसक्ति के कारण है, क्योंकि भगवान हमसे आसक्त है, वरना लिटरल दर्द नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हमको कष्ट मिल रहा है तो भगवान को मिल रहा है, आसक्ति के कारण दर्द होता है लेकिन लिटरल दर्द नहीं होता है। तो ये दोनों में क्या है, अंतर है, स्वांश में और विभिन्न अंश में, ठीक है। तो ये प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। और साथ में वो कौन है, वो जो भगवान है परमात्मी, परमात्मा उपद्रष्टा, उपद्रष्टा मतलब वो देखते रहते हैं। हम अच्छा कर रहे हैं उसको नोट कर लेते हैं, जो बुरा कर रहे हैं उसको भी नोट कर लेते हैं। और वही परमात्मा इंफॉर्मेशन किसको देते हैं, वो यमराज को देते हैं। लेकिन उपद्रष्टा कौन है, परमात्मा ही है। उप का मतलब क्या है, बहुत पास में है। इसीलिए आप कुछ भी करेंगे परमात्मा से बच नहीं सकते हैं। आप स्वयं भी आंखें बंद कर सकते हैं कि ठीक है कुछ गलत काम कर रहे हैं, हम आंख बंद करें गलत काम करेंगे। आपकी आंखें बंद हो सकती, परमात्मा की आंखें बंद नहीं होंगी, उनकी आंखें खुली रहेंगी, उनको पता चल जाएगा गलत काम कर रहे हैं। इसलिए उपद्रष्टा शब्द का इस्तेमाल किया गया, उनकी दृष्टि हमेशा पास में है, वो हमेशा पास में स्थित रहते हैं। लेकिन वो जीव से कैसे हैं, उपद्रष्टा अनुमंता चा, चा मतलब क्या है, जीव से लेकर वो अलग है, जीव के पास है पर जीव से अलग है, जीव नहीं है। जो मायावादी कहते हैं ना कि जीव परमात्मा एक है, वो बोलते नहीं, जीव से कैसे, चा का मतलब है अलग है, दोनों से अलग है। और अनुमंता का मतलब क्या है, वो सैंक्शनर बोलते हैं उनको, मतलब जब तक परमात्मा सैंक्शन नहीं करते हैं तब तक हम अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। परमात्मा सैंक्शन नहीं करेंगे तो हाथ नहीं उठा पाएंगे। हाथ उठा भी लिया, मान लीजिए गुलाब जामुन मुंह में डाल भी लिया, तो जब तक परमात्मा सैंक्शन नहीं करेंगे वो पचने वाला नहीं है, लूज मोशन हो जाएगा। तो सैंक्शन हर चीज कौन करते हैं, परमात्मा करते हैं, अनुमंता। फिर उसके बाद उनके बारे में क्या बताया है, भर्ता, भर्ता का मतलब क्या है, भरण पोषण करने वाले भगवान ही हैं। हम इंद्रिय तृप्ति भी अपने इच्छा से नहीं कर सकते, इंद्रिय तृप्तियों के जो, इंद्रियों के जो विषय हैं वो भी देने वाले कौन है, परमात्मा ही देने वाले हैं। उसके लिए भी हम लोग भगवान पर निर्भर करते हैं। तो भले खाने की वस्तु है, देखने की वस्तु है, सूंघने की वस्तु है, जो भी वस्तुएं हैं वो देखने वाले कौन है, भगवान ही, वो ही भरता है। इस संसार में व्यक्ति को लगता है कि हम अपने जो बच्चे हैं या और लोग हैं उनके भरता है, लेकिन असली भरता कौन है, भगवान ही। तो भगवान ही भरण पोषण करने वाले हैं। और भोक्ता, भोक्ता मतलब एक तो है भोग करने वाला और दूसरा है रक्षा करने वाला, तो दोनों ही भगवान ही है। तो इस तरह से भोग करने वाले भगवान कैसे हैं, क्योंकि हम लोग इस संसार में भोग करने का कितना भी प्रयास करें भोग नहीं कर पाते हैं, पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो सकते, थोड़े समय के लिए संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन भगवान ही पूर्ण रूप से संतुष्ट रहते हैं, आत्माराम है। तो इस तरह से वो भोगते हैं और भगवान ही क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं हमको रक्षा कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हमको कई बार लगता है कि डॉक्टर रक्षा कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर दवाई देता है या दवाई लगाता है। मान ले कोई घाव हो गया, घाव का उदाहरण ले लेते हैं, घाव हो जाता है दवाई लगने के बाद भरेगा या नहीं भरेगा, ये डॉक्टर के हाथ में नहीं होता है। बहुत बार कई बार डॉक्टर लोग अलग अलग दवाई लगाते रहते हैं, मल्लम लगाते रहते हैं, घाव भरता नहीं है।
तो उस तरफ से शरीर की रक्षा करने वाले भी भगवान ही हैं। आप बहुत सारे लोग शायद बड़ा बाजार के क्षेत्र से भी है, बड़ा बाजार में कोई चल रहा है, सर नहीं फूटा है, मतलब भगवान की कृपा है। सामान इतना यहां वहां जाता रहता है कि हमने एक साल संगीतन में सेवा की है, तो बड़ा बाजार जब भी जाते थे तो एक क्षण में ये नहीं है कि थोड़ा ध्यान भटक जाए, तो कोई भटक जाएगा तो कोई बक्सा के सर में लग जाएगा, इतना सामान यहाँ से वहां जाता रहता है। कुछ तो आपकी जो कैनिंग स्ट्रीट और यहाँ आसपास में जो एरिया है उधर पे, तो हमको लगता है कि भगवान की कृपा के साथ फूटा नहीं है। तो शरीर के अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, शरीर की रक्षा भी भगवान ही कर रहे हैं। तो उस तरह से रक्षा करने वाले भी जीव के कौन है? भगवान। ये सबके सब परमात्मा के क्या है? गुण है, जो भगवान उसमें बताते हैं। और फिर आगे बोलते हैं 24 नंबर में भगवान बताते हैं कि जो आत्मा परमात्मा इन सबके बारे में जान जाता है उसका क्या परिणाम होता है। या एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम चा गुणे सह सर्वथा वर्तमानोपि न सा भूयो अभिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो भगवान क्या बोलते हैं कि जो इस परमात्मा के बारे में जान जाता है, प्रकृति या फिर माया शक्ति के बारे में जान जाता है, जीव के बारे में जान जाता है, उसको इस संसार में वापस जन्म नहीं लेना पड़ता है। सर्वथा वर्तमानोपि, मतलब भले ही इस जीवन में उसको किसी भी परेशानी से जूझना पड़ रहा हो। कैसी परेशानी? जैसे किसी किसी का शरीर ही तमोगुणी होता है, क्योंकि पूर्व जन्मों के साथ वैसा शरीर आया है। इसे आपने कुछ देखा होगा, कुछ भक्त हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, जैसे ही बैठते हैं जपमाला लेके तुरंत सो जाते हैं। कुछ भक्तों में देखा, वो चलते चलते भी जब करते हैं तो उसमें भी सो जाते हैं। इसलिए हम लोगों की जो गौशाले की छत खुली हुई थी, फिर उसके बाद में सबको बोला कि वहां डंडा लगाइए, कि कुछ भक्त चलते चलते जब करते हैं उसमें भी सो जाते हैं। कब आर पार हो जाएगा, कूद के नीचे गिर जाएंगे, पता नहीं है। तो क्या होता है, कई बार कुछ लोगों का जो शरीर है वही तमोगुण से इतना ज्यादा, पूरे जन्म में तमोगुण ही काम किया है, इतना ज्यादा तमोगुण से उद्गत रहता है कि भक्ति करना बहुत मुश्किल होता है। किसी तो किसी को कैसे ठीक करे अपना इसको? फिर वो कैसे ठीक करे, जैसे कि अपूर्व जन्म का कर्म तो उन्होंने किया इस तरह का, तो उनको तमोगुण इस तरह ज्यादा रहा, तो कैसे अपने आप को ठीक कर सकते? नहीं, उसी लिए तो यहाँ भगवान बता रहे हैं। या फिर किसी किसी को मान लीजिए वो होता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आराम से ठीक नहीं होती है, तो भगवान बोलते हैं भले ही सिचुएशन बहुत खराब है, सर्वथा वर्तमान होती है, वर्तमान में जो भी चीज परिस्थितियां खराब है, लेकिन जो इस ज्ञान को जान जाता है उसको वापस जन्म नहीं लेना पड़ता। अर्थात आप अगर संघर्ष कर रहे हैं, भगवान उसको काउंट करते हैं, ये बात भगवान बोल रहे हैं। तो ये वैसे भगवान ने ज्ञानी के बारे में बताया है, लेकिन भक्तों के जीवन में वही लागू होता है। हम लोग अच्छे से भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है, और ये भगवान उसको काउंट करते हैं। और बाकी जो है भगवान की कृपा से कुछ चीजें ठीक हो जाती हैं, कुछ चीजें ठीक नहीं होती हैं। लेकिन वैसे एक चीज हमने देखी है कि अगर भक्ति जीवन हम लोग जीते हैं तो धीरे धीरे करके कुछ लोगों का कुछ समय बाद चीजें ठीक हो जाती हैं, बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो एकदम से नहीं होती हैं, किसी को 8-10 साल भी लग जाते हैं, 15 साल भी लग जाते हैं, पर ठीक हो जाता है। और हर चीज से सॉल्यूशन होते हैं, जैसे कुछ लोगों को बहुत सोने की आदत है, तो उन भक्तों को हमने कुछ कुछ सॉल्यूशन बताया, वो जब में अब उतना नहीं सोते। कई बार लोग शरीर के कारण ही है या कुछ आदतों के कारण सोते हैं। अभी रात को आप कम सोएंगे तो सोएंगे ही सोएंगे, जब में तो पर्याप्त नींद होनी चाहिए। फिर कई लोग क्या करते हैं, पानी कम पीते हैं, पानी कम पीने की वजह से भी नींद आती है। एक भक्त को हमने बोला आप उठते ही 1 लीटर 1.5 लीटर पानी पीजिए,
अभी उतनी नींद नहीं आती है कंट्रोल में। फिर उसके बाद में आप कैसे बैठना है उस पर भी निर्भर करता है कि आप सो रहे हैं, सोने वाले हैं, नहीं सोने वाले हैं। अच्छे से अगर आप आसन में बैठेंगे तो नींद नहीं आएगी। अभी बैठे हुए हैं कुर्सी में बढ़िया गद्देदार तो नींद आएगी आएगी ना, या फिर बिल्कुल ना सर झुका के नम्रता के साथ में ऐसे बैठे हुए हैं तो नींद आएगी। भक्ति विनोद ठाकुर के साथ तरह तरह बैठेंगे तो नींद नहीं आएगी। फोटो देखा होगा आपने एकदम स्ट्रेट, या भक्ति सिद्धांत सरस्वती का फोटो देखा होगा एकदम स्ट्रेट बैठते। तो उस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए अलग अलग कंडीशनिंग है जो काम करती हैं। लेकिन भगवान बोलते प्रयास व्यक्ति कर रहा है तो उसका रिजल्ट आना एकदम गारंटेड, वो भगवान बता रहा है। वो लेकिन तत्व से जैसे यहाँ पे भगवान बोल रहे कि इसको जान लेते हैं तो पूर्ण जन्म नहीं होता, जैसे एक बार आगे भी बोले कि जन्म कर्म मेरा कोई जान लेता है इस तत्व को तो उनका फिर जन्म नहीं होता, तो जानने का क्या अर्थ है यहाँ पे? देखिए व्यक्ति जो वाकई में जानता है, जानने का मतलब सिर्फ जानना नहीं, उसको विश्व पे विश्वास करना भी है। हमको बहुत ज्ञान है, हम बोलते भी हैं, कई बार हमको उस पर वो नहीं होता है, श्रद्धा नहीं होती है। तो मात्र ज्ञान का होने का मतलब है ज्ञान पे श्रद्धा भी होना ना। जैसे कोई जप में सो रहा है, कई बार हमने देखा है उसको आप जगाइए तो बोलिए प्रभु जी आप प्रयास करिए भगवान प्रसन्न होंगे। क्या आप कितना प्रयास कर रहे हैं प्रभु, क्या पता भगवान प्रसन्न होते कि नहीं होते हैं, फिर सो जाते हैं। अगर आपको विश्वास है कि प्रयास से भगवान प्रसन्न होते तो प्रयास करेंगे। उसी तरह से किसी भक्ति कुछ कष्ट आता है जीवन में तो हमने देखा बड़े बड़े भक्त लोग कंप्लेन करने लगते हैं, इसके कारण हुआ उसके कारण हुआ। अगर आप उसको बोलेंगे नहीं नहीं प्रभु जी आपके कर्म ही वापस आ रहे हैं, दूसरे पे दोष क्यों दे रहे हैं? अरे वो फिलोसफी हमको भी पता है, हम भी सुनाते हैं सबको, लेकिन हमको पता है इसकी वजह से हुआ है सब। इसलिए फिलोसफी बात अलग होती है, फिलोसफी विश्वास होना बहुत, श्रद्धा होना वो दूसरी बात है। तो भगवान बोलते हैं मेरे कर्म दिव्य हैं, क्या तुमको विश्वास है? विश्वास नहीं होता है कई बार। भगवान हमारे साथ जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं वो विश्वास है क्या? वो भी तो भगवान के कर्म है। भगवान सब चीज के नियंत्रण करता है वो विश्वास है क्या? वो भी भगवान के कर्म है ना, उनमें विश्वास है क्या आपको? तो हम लोग कई बार ज्ञान सुनते हैं बोलते हैं, विश्वास होना अलग बात है। इसलिए विश्वास करने के लिए टाइम लगता है और प्रयास करते रहना पड़ता है, याद दिलाते रहना पड़ता है अपने आप को, ठीक है ना? ओके प्रभु। अच्छा प्रभु, जैसे ये लोग ज्ञानी लोगों के बारे में बताया गया है तो यहाँ पर ये जैसे उनका पुनर्जन्म नहीं होता, तो ये ज्ञानी लोग क्या ये शुद्ध भक्त में कन्वर्ट हो चुके हैं? नहीं नहीं नहीं, ये ज्ञानी शुद्ध भक्त में नहीं हुए, पुनर्जन्म नहीं होते, मतलब वो ब्रह्म ज्योति में जा सकते हैं। तो ज्ञानी भी अगर अपना ज्ञान का पूरा प्रयास कर रहा है, अपने पथ में अच्छे से प्रयास कर रहा है, तो उसी करंट सिचुएशन जैसे हमको परेशानी होती है उनको भी होती है। हम लोग अगर परेशानी होती है कि जप में नींद आती है तो उनको परेशानी होती है ग्रंथ को अध्ययन करते समय नींद आती है। तो जो समस्याएं हैं, समस्याएं सबके साथ हैं, भले ज्ञानी हैं, योगी के साथ भी समस्या रहती है। पहले हम सोचते थे कि भाई योगी लोग हैं उनको कोई रोग नहीं होते हैं, हम भी योग सीख लेंगे हमको भी कोई रोग नहीं होगा। तो योग करने से लाभ बहुत हुआ हमको, हमारा जो एक वो था रिब उठ गया था गैस की प्रॉब्लम की वजह से, तो इतना दवाई ववाई खाया इतने महीने तक कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो किया चार दिन में हमारा ठीक हो गया सब। तो ऑथेंटिक योगा था, आपका बिहार में जो मुंगेर है उनका कॉलेज थोड़ा ऑथेंटिक है, लेकिन वहां जाके भी पता चलता कि वो लोग भी बीमार होते हैं। तो इसलिए समस्या सब, कोई ज्ञानी है योगी है जो भी है, समस्या सबको रहती है। ओके तो ये 24 नंबर। और फिर भगवान बताते हैं अन्य तरीके क्या हैं इनको समझने का, जो भी साक्षात्कार है। एक तो भगवान ने बताया इस ज्ञान को पढ़ना, उस पर ध्यान करना, उस पर मनन करना, एक तरीका है, और भी तरीके हैं।
ध्यानात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं। तो ध्यायेन, तो कुछ मान लीजिए ज्ञान मिश्र भक्त हैं या फिर भक्त भी हैं, वो ध्यान के द्वारा देखते हैं, आत्मनि अपने मन में देखते हैं। कुछ लोग आत्मना, कुछ लोग बड़े सहजता से ही उसको देख लेते हैं। कुछ लोग हैं जो भक्ति के द्वारा देखते हैं, भक्तों के लिए जाता है, भक्त माम भी जाना थी। लेकिन कुछ लोग जो ज्ञानी हैं वो सांग योग के द्वारा देखते हैं, मतलब ज्ञान मार्ग के द्वारा देखते हैं। और अपरे अन्य जो लोग ही है योगी हैं, जैसे मान ली अष्टांग योगी इत्यादि, वो अष्टांग योग के द्वारा देखते हैं। और निष्काम कर्मयोगी वो कर्मयोग के द्वारा देखते हैं। किसको देखते हैं? आत्मा परमात्मा इत्यादि को देखते हैं। तो जो कर्मयोगी ज्ञानयोगी अष्टांग योगी हैं वो परमात्मा का साक्षात्कार नहीं करते हैं, पर उनका ध्यान कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। साक्षात्कार सिर्फ भक्ति के द्वारा होता है, क्योंकि परमात्मा तीनों गुणों से परे हैं, तो मात्र भक्ति के द्वारा ही परमात्मा को देख सकते हैं। भक्त्या माम एकया ग्राह्या, पर अन्य चीजों के अलग अन्य मार्गों के द्वारा लोग देख सकते हैं। कम से कम आत्मा का साक्षात्कार वो लोग एक हद तक कर सकते हैं। तो कर्मयोगी ज्ञान योगी अष्टांग योगी, इन तीनों का क्या गंतव्य स्थान है? कि उनको आत्मा का साक्षात्कार होता है। हम शरीर नहीं है, आत्मा है, ये उनका हाइएस्ट रियलाइजेशन है। जो योग मिश्र भक्त होते हैं वो परमात्मा को का साक्षात्कार कर सकते हैं या भगवान का भी कर सकते हैं। बाकी जो कर्म मिश्र भक्त हैं, ज्ञान मिश्र भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनका गंतव्य स्थान क्या है? वो भगवान का साक्षात्कार करते हैं। तो इस तरह से ये सब लोग अलग अलग पद्धति द्वारा लोग साक्षात्कार कर सकते हैं, आत्मा का, परमात्मा का, और भगवान का सिर्फ भक्तों के लिए। ठीक है, तो ये भगवान बताते हैं साक्षात्कार के बारे में। और कई लोग हैं जिनके पास में इतना कुछ साक्षात्कार करने का या पद्धति को फॉलो करने का समय नहीं है, तो वो साक्षात्कार कैसे करते हैं? वो भगवान 26वें श्लोक में बताते हैं। अन्ये त्वि एवं अजानन्तः सुत्वा नेभ्य उपासते ते अपि चाति तरन्ति एवा मृत्युं श्रुति परायणः। पढ़िए इसको। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रमाणिक पुरुष से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जो कि मान लीजिए इन अलग अलग योग पथों का सहारा नहीं लेते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? वो सुनते हैं, श्रवण में उनकी रुचि है, वो सुनते हैं। तो सुनने से क्या होता है, खासकर आप गीता भागवतम से सुन रहे हैं तो पहले रुचि नहीं है, लेकिन बाद में व्यक्ति भक्ति पथ में आ जाता है, और धीरे धीरे करके क्या होता है, उसका उत्थान होने लगता है, आध्यात्मिक उत्थान होने लगता है। तो शुरुआत वहां से नहीं करता, लेकिन शुरुआत सुनने से धीरे धीरे आदमी शुरुआत कर सकता है। इसलिए आपने देखा होगा जो वैदिक समाज में लोग हैं उनको एक नियम क्या बताया जाता है, कभी भी आप मंदिर जा रहे हैं तो थोड़ी देर वहां बैठिए। आपने सुना होगा बड़े बुजुर्गों से कि मंदिर जाते हैं तो थोड़ी देर बैठना चाहिए, तुरंत दर्शन करके भागना नहीं चाहिए। क्यों बोलते हैं वो? इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप मंदिर में बैठते हैं, मंदिर में साधु लोग रहते हैं, वो कुछ कृष्ण कथा कर रहे होंगे, आपको सुनने का मौका मिलेगा तो क्या होगा, आपकी भक्ति चालू हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारे लोग होते हैं जो उनके पास समय नहीं है चीजों को फॉलो करने का, पर वो सुनते सुनते क्या होता है, साक्षात्कार उनको आ सकता है, या वो भक्ति पथ को ग्रहण कर सकते हैं।
इसलिए जो लोग सभ्य समाज के लोग हैं उनके अंदर सुनने की प्रवृत्ति डाली जाती है। जैसे आप देखेंगे कि खासकर मारवाड़ी समाज में वो भागवत सप्ताह में जरूर जाते रहते हैं। आप उनको बोले माला करिए तो टाइम नहीं है, या फिर बोलिए कि आप उनको के आप भगवान की पूजा करिए, अर्चना करिए, ये पढ़िए, पढ़ने का तो कभी टाइम वो ही रहते नहीं है, संभावना ही नहीं है पढ़ने की। वो बुक देते ही बोल देते कि नहीं नहीं भाई हमारे पास हम पढ़ते लिखते नहीं है, लेकिन भागवत सप्ताह होता तो 7 दिन निकाल लेते हैं, 7 दिन जाके कुछ सुन के आ जाते हैं। तो वो लोग भक्ति वाली चालू नहीं करते, लेकिन भक्ति चालू करने का उनको मौका मिलता है श्रवण करने से। तो इस तरह से वो भगवान बोल रहे हैं कि वो लोग भी क्या है सफलता को प्राप्त कर सकते हैं सुनने से। अब 27 से लेकर 35 तक भगवान किसके बारे में बताएंगे, जो भगवान ने बताया है उसको ही आगे और विस्तार से समझाएंगे भगवान। तो ये भगवान 27 से 35 में करने वाले हैं, तो 27 नंबर से हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, तो एक क्लास और 13 नंबर के लिए। एग्जाम भी है आप लोगों का? यस सर, संडे को है। संडे को एग्जाम, ठीक है, पढ़ाई करिए अच्छे से। आप भी सब कृपा कीजिए, हम लोग का एग्जाम बढ़िया से हो जाए प्रभु जी। प्रभु हम लोग का नंबर अच्छा दे दीजिएगा। ये या था माम प्रपद्यन्ते, आप अच्छे से लिखिए, हम अच्छे से नंबर देंगे। प्रभु जी जो